हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। जो भी भोजन मनुष्य के मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मुख के ग्रहण करने से लेकर के उसके उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालने का जितना भी प्रोसेस होता है वह पाचन तंत्र के द्वारा ही संपन्न होता है। अर्थात भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना और अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि प्रक्रियाएं पाचक तंत्र के द्वारा ही संपन्न होती हैं। मनुष्य के पाचक तंत्र में आहार नाल व उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्यतः दो भाग होते हैं। जो पहला भाग है वह है आहार नाल। तो आहार नाल को सबसे पहले आहार नाल की बात करते हैं। दूसरा इसका मुख्य भाग होता है पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल जो है वह क्या होती है? मनुष्य की जो आहार नाल है वह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यह मुख से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा द्वार तक जाती है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। जैसे कि देख रहे हैं जो आमाशय है वो जे आकार का, जो लीवर है वो छतरी के आकार का, अर्थात विभिन्न विभिन्न भागों में इसका जो व्यास है वो अलग अलग होता है। अब आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इसका भाग है वह है मुख एवं मुख कुहिका। जो आप जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं जो ये वाला भाग होता है वह मुख कहलाता है। मुख जो होता है वह दो होंठों से घिरा हुआ होता है। मुख में 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में दो दो जोड़ी कृंतक, एक एक रद्दनक, दो दो अग्रचवर्णक तथा तीन तीन चवर्णक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में कई बार यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बने हैं, जैसे कि मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 20 होती है। यह मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब हम आहार नाल के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं मुख गुहा का जो दूसरा भाग है लास्ट, इसको बोलते हैं ग्रसनी। अब जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी वो लास्ट पार्ट होती है। मुख गुहा का एक पहला भाग और एक लास्ट पार्ट, उसको ग्रसनी कहते हैं। वह एक अंदर की तरफ जहाँ पर एक निगल द्वार होता है, वह एक बड़ा छिद्र होता है, वहाँ पर पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है आहार नाल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है ये हम देखते हैं। मनुष्य की जो ग्रास नली है, ग्रास नली को भोजन नली भी कहते हैं, ग्रास नली को आहार नली भी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह एक लंबी सी संरचना होती है, लंबी पाइप के नुमा संरचना होती है जिसको आहार नली या भोजन नली कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। हमारा जो अगला भाग है वह है आमाशय। मनुष्य में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग है आमाशय। यहाँ से यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार 4 अंकों का भी प्रश्न बना हुआ है कि आमाशय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आमाशय, जो आमाशय है, मनुष्य का जो आमाशय है
वह जैसा कि आप चित्र में देखते हैं जैसे एक थैला होता है, उसी की तरह इसकी संरचना होती है, या ये कह सकते हैं कि जैसे जे आकार जे बनाया जाता है उसी की तरह की आकार की यह संरचना होती है। इसकी लंबाई जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह देहगुहा में बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। भोजन नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा रहता है। आमाशय में अनेक प्रकार की आमाशय ग्रंथियां होती हैं। इनसे और आमाशय में जो भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, यहाँ पर भोजन का मंथन होता है, आंशिक पाचन होता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे कि जठर रस निकलता है जो भोजन के पचाने में बहुत सहायता करता है। यहाँ पर आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी पाया जाता है। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। अब जो आपको ये पता होना चाहिए कि आमाशय को बनाने के लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं, या कह सकते हैं आमाशय जो ग्रंथियां होती हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेप्टिक या जाइमोसोनिक कोशिकाएं, यह पाचक एंजाइम का स्त्राव करती हैं। सेकंड है ऑक्सेंटिक या पैराटाइल कोशिकाएं, यह HCl का स्त्राव करती हैं, जैसा मैंने अभी HCl का वर्क बताया है आपको। म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस बनाती हैं, इससे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। अब कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय का कार्य क्या होता है। आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, जो आमाशय का जो भाग है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन, भोजन का संग्रह करना, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना और भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नाश करना। अब हमारा जो नेक्स्ट है भाग, वह है गृहिणी। जो गृहिणी है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी का सी होता है, अंग्रेजी की जैसे आकृति होती है सी, ये इस तरीके की जो कुछ संरचना होती है, जैसे अंग्रेजी का सी आकृति होता है, उस तरीके की संरचना के समान होती है। यकृत से पित्र तथा अग्नाशय से अग्नाशय नली इसके नीचे वाले भाग से आकर के मिलते हैं। आपको चित्र में मैं बता दूं कि जो ये छतरी नुमा संरचना है इसको यकृत बोलते हैं, इसको लीवर, ठीक है। और ये जो पत्ती नुमा संरचना है आपको दिखाई पड़ रही है चित्र में, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। अब जो आपको यकृत में ये संरचना दिख रही है पितृनली और अग्नाशय से अग्नाशय नली, यह इसके नीचे से होकर के गुजरती है, गृहिणी के नीचे से होकर के गुजरती है। और नेक्स्ट हमारा जो भाग है वो है छोटी आंत, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है हमारा छोटी आंत। अब आपको देखना है स्टूडेंट कि छोटी आंत क्या होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये गृहिणी ख़त्म होती है, इसके निचले भाग से, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है छोटे आंत की। यह गृहिणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। अतः यह कुंडलित अवस्था में, कुंडलित का मतलब है मुड़ी हुई अवस्था, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये मुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है, उदर गुहा में अर्थात पेट में पड़ी होती है। इसकी दीवारों में पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे आंतरिक रस निकलता रहता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। अब हमारा जो अगला भाग है वह है बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है मनुष्य की, वह अधिक चौड़ी होती है अपेक्षाकृत छोटी आंत के, इसलिए बड़ी आंत जो है वह लगभग 7 फुट की होती है, या ये कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वह 7 फुट की होती है। इसके जो बड़ी आंत है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसको सीकम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है
कि जो बड़ी आंत है इस यह अधिक चौड़ाई, मतलब यह अधिक चौड़ी होती है अकॉर्डिंग टू छोटी आंत। आपने चित्र में देखा इसकी चौड़ाई, यह तीन भागों से मुख्यतः मिलकर के बना होता है, सीकम, कोलन तथा मलाशय। सीकम, कोलन तथा मलाशय। बच्चों हमारा जो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वह लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के लास्ट भाग की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो मलाशय है, मलाशय ये वाला पार्ट मलाशय कहलाता है। मलाशय यह बड़ी आंत का ही अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यह भोजन से केवल जल का अवशोषण करता है। यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में, शरीर से विष्ठा यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में, जब भोजन मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो जो उससे पोषक तत्व होते हैं वो विभिन्न विभिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। केवल मलाशय में जब भोजन आता है तो उससे केवल जल का अवशोषण होता है। यह अपच भोजन यानी वेस्ट फूड को शरीर से बाहर कर देता है विष्ठा के रूप में। हमारा जो मलाशय का लास्ट भाग है, आप देख रहे हो एक छोटा छल्ले नुमा संरचना, गोल संरचना आपको दिखाई पड़ रही है चित्र में, इसको बोलते हैं गुदा द्वार। मलाशय का अंतिम भाग होता है, यह छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये आहार नाल का पार्ट है, सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, जो पाचक ग्रंथियां हैं, जो पाचक ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, चलिए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। देखिए क्या होती है लार ग्रंथि, जो मुख को भोजन को करते समय मुख में एक चिकना पदार्थ, यहाँ पर जो मुख है यहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जीभ के दोनों तरफ किनारे आसपास। भोजन को करते समय मुख में से एक चिकना पदार्थ जो कि तरल अवस्था में होता है लार कहलाता है। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं, यह भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मुख के अंदर जीभ के दोनों ओर तीन तीन लार ग्रंथियाँ, यहाँ पर जीभ के पास तीन तीन लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। यह जो इसमें से जो लार निकलती है, और आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव करता है। लार में मुख्यतः जो तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं उसका नाम है कर्ण मूल ग्रंथियां, जिह्वा ग्रंथियां, जबड़े के नीचे की ग्रंथियां। हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट भाग है वह है यकृत। देखिए जो आपको चित्र में एक संरचना दिखाई पड़ रही है छतरी नुमा, जैसे छतरी होती है उसी की तरह एक संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको यकृत या लीवर कहते हैं। यह एक बड़ी ग्रंथि है जो पितृरस उत्पन्न करती है। इसका जो भार होता है वह लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसके ऊपर एक थैली सी लटकी रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि लीवर में जो एक थैली नुमा संरचना ऐसी लगती है कि जैसे थैली लटकी हो, पाई जाती है, जिसे पित्राशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। इसमें पितृरस एकत्रित होता रहता है। अब यकृत के जो कार्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकृत का जो मुख्यतः कार्य है, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का स्त्राव करती हैं और जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से क्या करता है, रोकता है। इसका एक यह भी कार्य होता है कि यह बचे हुए भोजन को अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो एसिड के रूप में संचित रखता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है भाग और अंतिम भाग पाचक ग्रंथियों का, वह कहलाता है क्या, अग्नाशय। अब जैसे कि देख रहे हैं आप,
अग्नाशय क्या होता है? अमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि एक पत्ती नुमा आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। यह एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें से अग्नाशय रस स्रावित होता रहता है। अग्नाशय का जो मुख्य कार्य होता है, अग्नाशय रस का निर्माण करता है, जिनमें तीन एंजाइम, बच्चों एंजाइम्स के नाम याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि अग्नाशय में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में तीन मुख्य एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन तथा स्टेरेप्सिन पाए जाते हैं, जो कि भोजन के प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा तत्वों का पाचन करते हैं। अब अग्नाशय का एक मुख्य कार्य क्या है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करता है। यहाँ से आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएगा कि कई बार पूछा गया है कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स बनता है या स्रावित होता है। तो आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव अग्नाशय से होता है। एक और भी कार्य होता है, ग्लुकेगॉन हार्मोन्स का स्राव करता है। तो इसी तरीके से बच्चों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो दोनों पार्ट हैं वह आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आहार नाल का जो भाग है वह कंप्लीट हो गया, पाचक ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई। अब चलिए हम लोग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए हैं, कभी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में, कभी अति लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में। मनुष्य में जो, चलिए एक बार फिर से एक एक पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं कि जैसे कभी पूछा गया है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या तीन होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? जो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य के अग्नाशय से, मनुष्य के जो अग्नाशय से जो पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, उसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। मनुष्य में जो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचक ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में पाचक ग्रंथियों की संख्या तीन होती है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक पॉइंट पे कि जठर रस का स्त्राव, कई बार पूछा गया बच्चों कि जठर रस का स्त्राव कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जठर रस का स्त्राव अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, बड़ी आंत में अपचा भोजन मल के रूप में बदलता है। जो आपको बड़ी आंत दिखाई पड़ रही है चित्र में, ये इसमें अपचा जो भोजन होता है वह मल के रूप में बदल जाता है और मलाशय से बाहर निकल जाता है। लेकिन मल में जो बदबू है वो इंडोल तथा स्कैटोल नामक रसायन के कारण होती है। अब बच्चों, मैंने जो ये पीडीएफ पूरी तैयार कर दी है, आपके नोट्स पूरे तैयार कर दिए हैं, जो जो मैंने डिस्कस किया है, जो जो मैंने पढ़ाया है, वह पूरा मैंने ये पूरा तैयार कर दिया है पीडीएफ के रूप में। तो चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो ये पूरा फेर आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं या जो इसकी समरी है वह आप ज़रूर पढ़ें। इससे कई बार बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न हैं वह पूछा गया है। देखिए बच्चों, एक 4 नंबर का जो प्रश्न आता है वह आता है अमाशय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो मैंने आपको अमाशय समझा दिया है, यह इसकी संरचना है, जो अमाशय की संरचना है ये आपको पूरी मैंने बता दी थी। ये जे आकार के होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये अमाशय की संरचना को अपनी कॉपी पे ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा सारे जो पार्ट्स हैं, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मनुष्य का, इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।